और हम लोग दुआ करने लगे कि अल्लाह ताला इनकी तबीयत को मज़ीद अच्छा कर दे, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था और उनका वक्त हो चुका था। इस वजह से हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने इस दुनिया से आखिरत में पहुंचा दिया और उनकी वफ़ात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़्यादा दुख का दिन था, बहुत ज़्यादा अफसोस का दिन था। आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं और हमारे बीच से वो चले गए, और इतना अफसोस कि वो जो है मुसलमानों के लिए इतना काम करते थे और हर दिन हर रात वो जो है मेहनत करते रहते थे, और वो कभी भी जो है अपने लिए परेशान नहीं रहते थे। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तालीम के लिए, मुसलमानों की के ऊपर जुल्म जो हो रहे हैं उसके ऊपर काम करने के लिए वो हमेशा मेहनत करते रहते थे, और आज के दिन वो चले गए। और हम लोग उनकी सही से इज़्ज़त नहीं कर पाए, हम लोग उनसे सही से फ़ायदा नहीं उठा पाए। और हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और जन्नत अल-फ़िरदौस में उनको आला दर्जा मिले। उन्होंने जो उम्मत मुस्लिमा के लिए काम किया उसको हम गिना नहीं सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा खिदमत दी कि आज मुसलमान किसी भी बात को किसी भी मंच से कह सकता है। इसी तरह से इन्होंने तालीम के शोबा में इतना सारा खिदमत किया कि उसको हम कभी भुला नहीं सकते। आपको मालूम होगा कि रहमानी छट्टी जो देश के अंदर अपनी बे इंतहा खिदमत दे रहा है, इसके वजह से मुसलमान के बच्चे आज IIT जैसे संस्था में अपनी पहचान बना रहे हैं, नीट के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम को आसानी से पार कर पा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, ये सब मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से हो पाया।